हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्राई माय वे। आज हम अपनी फैब्रिक पेंटिंग सीरीज में आपके लिए एक और हैंकी लेके आए हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब मैंने अपना कुर्ता स्टिच कराया था तो टेलर से बचा हुआ कपड़ा मांग लिया था और उस बचे हुए कपड़े से मैंने एक मास्क स्टिच किया है और 3 हैंकी भी निकाल लिए हैं और वो हैंकी भी यूजुअल साइज से थोड़े बड़े हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम आप भी याद रखें और अपने टेलर से बचा हुआ कपड़ा जरूर लेके आएं। ये किसी न किसी तरह हमारे काम आ ही जाता है। मैं आपको बता दूं कि इस हैंकी में भी हमने एक और सिंपल डिज़ाइन ड्रॉ करा है और पेंट किया है। इस हैंकी में मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है रेड एंड येलो। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने सिंपल सी शेडिंग करी है। शेडिंग करते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा ब्रश ड्राई हो और दोनों कलर ठीक से मर्ज हो जाए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले कभी भी पेंटिंग नहीं करी है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है और कलर करना भी इजी है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें मैंने एक्रेलिक कलर्स यूज़ करे हैं। अगर आपके पास फैब्रिक कलर्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग का कोई भी क्लॉथ आयरन करना है तो उसको बैक साइड से आयरन करें। फ्रंट साइड से आयरन करने में अक्सर ये कलर चिपक जाते हैं और कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें हमेशा बैक साइड से आयरन करना चाहिए। अगर आपने मेरे पिछले हैंकी की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।